नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ मौजूद है रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी, जिनसे जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज बुधवार 6 जुलाई 2022 है। विक्रम समय से 2079 राक्षस, सक्ष मत 1944 शुक्रत, अषाढ़ शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि है जो शाम को 7:48 तक रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 7:29 पर होगा, सूर्या शाम को 7:23 पर होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो दिन के 11:44 तक रहेगा। तत्पश्चात हंस नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। व्यतिपात योग है जो दिन के 11:43 तक रहेगा। तत्पश्चात परिग योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय ब्रह्ममुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:48 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय 4:28 से 5:29 तक रहेगा। यह पूजन के लिए शुभ समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज बिल्कुल नहीं है, इसलिए आज कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अशुभ समय यानी राहु काल का समय है दिन के 12:26 से 2:10 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। हट बस यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको शुभ समाचार कहीं से मिल सकता है? मित्रों से सहयोग की आशा कर सकते हैं। पड़ोसियों से सावधानी बनाए रखें, नहीं तो किसी समस्या में फंस सकते हैं। बेकार के कार्यों से बचें, अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, तभी आपका कार्य बन सकते हैं। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज भूम भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करने का इरादा हो तो दिन शुभ कहा जा सकता है। काफ़ी दिनों से रुके हुए कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं तो अवश्य करें। भूम विवाद के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज ज़्यादा पैसे लगाकर कुछ खरीदना चाह रहे हो तो फिलहाल अपना धन न लगाएं, अपना इरादा बदल दें, नहीं तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता समझें, कार्य बिगड़ते बिगड़ते संभल जाएंगे, दिन काफ़ी लाभदायक कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर हितकर होगा। किसी मांगलिक कार्य में आपको जाना पड़ सकता है, अपने किसी सहयोगी की मदद लेनी पड़ सकती है, धार्मिक कार्यों के पीछे धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज के दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो सकती है। किसी महिला मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी। लोहे से संबंधित किसी वस्तु को खरीदना आज फायदेमंद नहीं होगा। वाहन पूर्ण सावधानी से प्रयोग करें, वही हितकर होगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको छोटा प्रवास करना पड़ सकता है। अपनी सभी वस्तुओं को संभाल के रखें, चोरी जा सकती हैं या खो सकती हैं। अपने परिवार के लोगों से विवाद न करें, इसी में आपका भला है। पशुओं से बचकर रहें, चोट लगने की संभावना है। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कार्यों के पीछे धन अधिक खर्च हो सकता है। पत्नी या प्रेमिका से विवाद की संभावना है। वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल सकते हैं। पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगी। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफ़ी दिनों से सोचे हुए कार्यों में सफलता नजर आएगी। माता जी का स्वास्थ्य डगमगा सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता समझें। किसी धार्मिक स्थल पर जाना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च की संभावना प्रबल है। अपना पॉकेट संभाल कर रखें। जानते हैं अगली राशि धनु राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण और अनुकूल दिख रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत आज कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होना शुरू होगा। दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए हितकर नहीं होगी।
जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज व्यापारी वर्ग के लिए दिन फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पैसे वाले व्यक्तियों के लिए कठिनाइयों से भरा रह सकता है। निजी कार्यों के पीछे आपको दौड़ भाग अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है। दिन सामान्य फलदायी कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप अपने परिवार से कुछ परेशान हो सकते हैं। खास तौर से अपने घर की महिलाओं से सावधानी बनाए रखें। लोहे से संबंधित कुछ खरीदने का इरादा हो तो फिलहाल अपना इरादा बदल दें। आपके शत्रुता छोड़कर मित्र भाव अपनाने का कार्य कर सकते हैं। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से बिगड़े हुए कार्य में सुधार होना शुरू हो सकता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्राएं सोच समझ कर करने की जरूरत समझें। अपने भेदों को गुप्त रखें। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हों तो आज दोपहर के बाद ही अपना कार्य शुरू करें, हित कर होगा। दोस्तों ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94535551111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें। मैं हूँ आपके साथ अंजलि। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री से। इनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है जो कि है 9453555111 पर प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94535551111 पर प्रत्येक दिन।